हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का। बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए इस चैप्टर का, तो मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। स्कूल में आप लोगों को होमवर्क मिला होगा या कोचिंग में कहीं भी, तो उसका आंसर मैं अभी आपको करवा देता हूं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब एक ही तरह के फूड खाते हैं क्या? आपको ये पता करना है। तो आप लोगों ने जब पता करना स्टार्ट किया तो आपको पता लगा कि नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। जैसे काऊ क्या खाता है? घास खाती है काऊ। बफेलो घास खाती है। ह्यूमन बींग हम लोग क्या खाते हैं? घास भी खाते हैं और जानवर को भी खाते हैं। जैसे लायन क्या खाता है? जानवर खाता है, एनिमल्स को खाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। आंसर क्या होगा? नो। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? नो। तो क्या सब खाता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हर्बीवोर्स, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट खाए उसे हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स। ईट ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। जो हरे प्लांट खाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल क्या है हर्बीवोर्स का? काउ गोट बफेलो, काउ गोट बफेलो इटिस। उसके बाद एक क्या होता है? कॉर्निबोर। क्या होता है? कॉर्निबोर्स। कॉर्निबोर्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स को खाए। ईट एनिमल्स, जो एनिमल्स को खाए। एनिमल्स को कौन खाता है? एग्जाम्पल बोलिए। लायन टाइगर इटीसी। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है? ओमनीवोर्स। इसके बारे में मैं काफी डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हुई तो। ठीक है, तो ओमनीवोर्स क्या होता है? जो प्लांट को भी खाए और एनिमल्स को भी खाए। बोथ ईट प्लांट एंड एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है ओमनीवोर्स का? पता है सभी को? ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग। इतना नोट डाउन कीजिए, यहां पर और थोड़ा सा लिख दूं। नो ऑल लिविंग बींग ईट्स द सेम काइंड ऑफ फूड। बुक में ऐसे आंसर लिखा रहता है, सेम काइंड ऑफ फूड। ठीक है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? सभी लिविंग बींग को एक ही तरीके की फूड की जरूरत पड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो। नो ऑल लिविंग बींग ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के फूड नहीं खाते हैं। जैसे तो क्या क्या खाते हैं हर्बीवोर्स? गोट काउ बफेलो ग्रीन प्लांट को खाते हैं, और कॉर्निवोर एनिमल्स को खाते हैं, लायन टाइगर, और ओमनीवोर प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। कर लिए नोट डाउन? अब सेकेंड क्वेश्चन है, नेम फाइव प्लांट्स डैट वी ईट। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम फाइव प्लांट्स, पांच प्लांट्स के नाम लिख ले हैं। नेम फाइव प्लांट्स दे आर पार्ट्स वी ईट। पांच प्लांट के नाम लिखने हैं आपको जिसका पार्ट हम लोग खाते हैं। नेम फाइव प्लांट्स, नेम फाइव प्लांट्स एंड दे आर पार्ट्स
दैट वी ईट एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन से हम पांच प्लांट को खाते हैं उस प्लांट का नाम बताइए। जैसे कैरट, कैरट को खाते हैं, कैरट का हम लोग क्या चीज खाते हैं, रूट खाते हैं। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में ही करवा दिया था, कैरट का हम लोग क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। टोमेटो का हम लोग क्या खाते हैं, टमाटर का, टोमेटो का हम लोग फ्रूट खाते हैं। कैरट का रूट, टोमेटो का फ्रूट। मस्टर्ड का हम लोग, जैसे मस्टर्ड का हम लोग क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, बीज, और उसकी पत्तियां भी खाते हैं हम लोग। मस्टर्ड का साग भी हम लोग खाते हैं, मस्टर्ड का लीफ भी खाया जाता है और सीड भी खाया जाता है। टोमेटो का फ्रूट खाया जाता है, कैरेट का रूट खाया जाता है। मैंगो का जैसे फ्रूट खाया जाता है, मैंगो का हम लोग क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। आ रहा है समझ में, कैरोट, टोमेटो, मस्टर्ड, व्हीट का हम लोग क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, मींस बीज खाते हैं। आ गया समझ में इतना, कौन कौन से फिर से बता दूं, नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। पांच प्लांट के आपको नाम बताने हैं, तो कौन कौन पांच प्लांट है, कैरट, टोमेटो, मस्टर्ड, मैंगो, व्हीट। ये क्या है, प्लांट है, ये क्या है, प्लांट्स है, और उसका हम लोग ये पार्ट खाते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट। आ गया समझ में इतना। रूट क्या होता है, फ्रूट, सीड्स, लीव्स, ये सब पता है सभी को। एक छोटा सा मैं फिगर बनाकर बता देता हूं, जैसे ये हो गया ग्राउंड वाला पोर्शन, मींस ग्राउंड वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है, ग्राउंड वाला पोर्शन। जो भी पार्ट ग्राउंड से ऊपर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सूट। ग्राउंड से ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सूट। क्या बोलते हैं, सूट। और जो पार्ट ग्राउंड से नीचे होता है उसे हम लोग बोलते हैं रूट। ग्राउंड से ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सूट, ग्राउंड से नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रूट। तो इस प्लांट में ऐसे ऐसे रूट होगा, कोई भी नॉर्मल सा प्लांट है। प्लांट का ऐसे ही फिगर मैं बनाकर समझा देता हूं, प्लांट है उसका नीचे वाला पार्ट रूट है और ऊपर वाला पार्ट सूट है। तो प्लांट है तो इसमें कुछ लीफ होंगी, पत्तियां। तो मान लीजिए यहां पर एक लीफ है, प्लांट है तो लीफ है, ये क्या है, लीफ है। इसमें बर्ड भी होंगे, मान लीजिए ये एक छोटा सा बर्ड है, यहां से कुछ ब्रांचेज है, ऊपर भी कुछ ब्रांचेज है, ये क्या है, बर्ड है, बर्ड, बर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। यहां पर एक बर्ड निकला हुआ है। तो कैरेट का हम लोग क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, रूट दिखा। टोमेटो का क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। यहां पर एक, मान लीजिए यहां पर एक फ्रूट लगा हुआ है, ऐसा फ्रूट, ये क्या है, फ्रूट है। इसके बारे में मैं काफी डीप में पढ़ा चुका हूं लेक्चर नंबर 1 में। जो जो लोग देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, ओके। तो ये क्या है, फ्रूट है। तो उसका हम लोग टोमेटो का फ्रूट खाते हैं, मस्टर्ड का हम लोग सीड खाते हैं और पत्तियां खाते हैं। लीफ क्या है, ये वाला लीफ है, और फ्रूट के अंदर में ही सीड होता है। फ्रूट के अंदर में ही क्या होता है, फ्रूट के अंदर में सीड होता है। फ्रूट के अंदर में क्या होता है, सीड होता है। फ्रूट के अंदर में सीड होता है। मैंगो का हम लोग क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फ्रूट दिखा। और व्हीट का हम लोग क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगर ये फिगर बनाने का इच्छा है तो बना लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन लिखूं, हटा देता हूं स्लाइड में, ओके। इतना नोट डाउन कर लिए, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन लिखूंगा वीडियो पर। हाँ तो चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया बोर्ड पर, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए, कॉलम ए में कुछ आइटम्स दिए गए हैं विथ दैट इन कॉलम बी।
कॉलम बी में भी कुछ दिया गया है उसके साथ आपको मैच कराना है, मिस मिलाना है, मैच दी फॉलोइंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिल्क कर्ड पनीर घी, दूध दही पनीर घी क्या होता है बोलिए, ईट अदर प्लांट, दूध घी को दूसरा प्लांट खाता है ये नहीं होगा, फिर ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट कोई मतलब ही नहीं है, आर वेजिटेबल्स ये सब सब्जी है नहीं है, तो क्या है आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट, ये सब कहाँ से आते हैं एनिमल से, तो हम लोग इससे मैच करा दिए डी नंबर से, पहला का डी नंबर से मैच करा दिए। सेकेंड क्वेश्चन है स्पाइनेक कॉलीफ्लावर कैरेट, स्पाइनेक क्या होता है, स्पाइनेक पालक, कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर पत्ता गोभी, और कैरेट गाजर क्या होता है, आर वेजिटेबल्स, ये सब क्या है वेजिटेबल है, क्या है वेजिटेबल्स, तो सेकंड का क्या हुआ सी ऑप्शन। अब थर्ड है लायंस एंड टाइगर, लायन और टाइगर क्या होते हैं, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट खाते हैं क्या लायन, लायन नहीं खाते हैं प्लांट, क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो कॉर्निवोर है, तो वो क्या खाते हैं ईट अदर एनिमल, वो दूसरे जानवर को खाते हैं, और हर्बीवर्स क्या खाते हैं ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, वो प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। आ गया समझ में, मिल्क कर्ड पनीर घी आर ऑल आर एनिमल्स, ऑल आर एनिमल्स प्रोडक्ट, सारे एनिमल्स के प्रोडक्ट है, स्पाइनेक कॉलीफ्लावर कैरोट सभी वेजिटेबल्स है, लायन टाइगर ईट अदर एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, हर्बीवर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। हाँ तो इतना आप लोग मैच करा लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, करा लिए, मैं फिर स्लाइड चेंज करने जा रहा हूं, कर लिए, ये क्वेश्चंस लिखने में काफी टाइम लग जाएगा जिसके कारण मैं साथ साथ नहीं लिख रहा हूं। हाँ तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, पढ़िए आप लोग, क्या क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवेन, वर्ड्स आपको कुछ दिए गए हैं उसके हेल्प से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना, मीन्स जो जो खाली जगह उसमें भरना है, वर्ड है हर्बीवोर्स प्लांट मिल्क सुगर केन कॉर्निवोर, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट इट इट्स ओनली मीट, टाइगर क्या होता है हर्बीवोर नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट नहीं खाता, टाइगर होता है कॉर्निवोर क्योंकि वो मीट खाता है, टाइगर क्या होता है कॉर्निवोर, टाइगर इज ए कॉर्निवोर, कॉर्निवोर दिख रहा है कॉर्निवोर कॉर्निवोर, तो ये क्या है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड क्या है डियर इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड, जो डियर होता है हिरन वो प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे हर्बीवोर्स, क्या बोलेंगे हर्बीवोर्स। थर्ड क्वेश्चन है पैरट इट्स ओनली डैश प्रोडक्ट, पैरट कौन सा प्रोडक्ट खाता है, तो हर्बीवोर्स हो गया, पैरट कौन सा प्रोडक्ट खाता है, पैरट प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो ये क्या है थर्ड, पैरट इट प्लांट प्रोडक्ट। फोर्थ है द डैश दैट वी इट ड्रिंक द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, दूध ही तो एनिमल से आता है काउ गोट बफेलो से, तो क्या होगा आंसर मिल्क, कितना आसान है, वी गेट सुगर फ्रॉम, सुगर कहाँ से मिलता है सुगर केन से, सुगर सुगर केन, ये क्या है फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर, और कहाँ से मिलता है सुगर बीटरूट से, याद है सभी को। तो चलिए यहां पर ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन खत्म हो गया, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू।